इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम UTS एप्लीकेशन के अंदर जो हमारी आधार कार्ड है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है उसको कैसे इशू करा सकते हैं UTS एप्लीकेशन के अंदर, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल पर जाना होगा। यहाँ पर पाँचवें नंबर पर आपको मिल जाती है एप्लीकेशन के होम पेज पर जाने के बाद, तो इस पर चले जाना है। और जाने के बाद यहाँ पर आपको चेंज पर्सनल दिखाई देगी, तो चेंज पर्सनल पर भी आपको चले जाना है। और जैसे ही चेंज पर्सनल पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट आईडी कार्ड टाइप, तो जो आपका जो भी कुछ यहाँ पर गवर्नमेंट कार्ड है या पैन कार्ड है, वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, और यहाँ पर आपको बैंक पासबुक भी मिल जाती है, तो क्रेडिट कार्ड भी मिल जाता है यहाँ पर। जो सब भी उसका नंबर डाल के यहाँ पर प्रोसीड कर दीजिए, तो आपका प्रोसेस यहाँ पर आईडी जो होगी वो लग जाएगी। तो ये प्रोसेस रहता है इसका लगाने का। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।